सीधी जिले के आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना से आदिवासी समाज आक्रोशित है। उक्त मामले में बुधवार को आदिवासी कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी युवक के साथ घोर अमानवीय कृत्य करते हुए युवक पर मूत्र विसर्जन किया गया, जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार लीपापोती कर मामले को समाप्त कर देती है। इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार की सोच आदिवासी विरोधी है। इस दौरान आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताते हुए घटना की न्यायिक जांच कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से माफी के साथ ही तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। एक आदिवासी युवक के ऊपर जिस प्रकार एक भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि द्वारा जो कृत्य किया गया है, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के आदिवासियों में बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर के आज हमारा पूरा जिला आदिवासी कांग्रेस सड़कों पे उतरा है और मुख्यमंत्री मामा हमेशा आदिवासियों के अपने आप को हितैषी बताते हैं और उनका बुलडोजर हर वक्त तैयार रहता है। आज अगर ये जो घटना करने वाला पदाधिकारी अगर उनकी पार्टी का ना होता तो ये अभी तक कितने लोगों के घरों को मिट्टी में मिला देते। अब मामा कहाँ गए, मामा का बुलडोजर कहाँ गया? देखते पक्षपात का माहौल चल रहा है। बिल्कुल हाँ, ये पक्षपात का माहौल है। 18 साल में शिवराज सिंह चौहान का सुशासन हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह लोगों को, बच्चियों को जमीन में गाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है। तमाम वर्ग आज इस मामा के अत्याचार से परेशान है। क्या आपकी आगे रहेगी? अगर आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर उक्त आरोपियों पे अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में आदिवासी कांग्रेस पूरे राज्य में उग्र आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा। ये अभी आपने देखा पड़ा होगा, सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर एक तथाकथित सभ्य समाज जो अपने आप को उच्च कोटि के समझते हैं, उन लोगों ने मूत्र विसर्जन किया है, पेशाब कर दी है। आप सोचिए ये कौन सी मानवता है, कौन सा संस्कार है, कौन से वो है हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये उसके एक उदाहरण है मात्र। इसको लेकर आपने कैसा विरोध किया? हमारी ये सोच है कि जो भाजपा सरकार है वो आदिवासियों का संरक्षण करने में असमर्थ है। आज तक आप देखें, यहाँ पे खैरकुंडी कांड हुआ एक, ये अभी यहाँ पे निवाड़ी का केस दारू और ठेके वालों ने मारा, इसके बाद में मानपुर का है, इसके बाद में नेमावर के हैं, तमाम चीजें हैं जो यहाँ से वहां तक देखें तो लंबी एक सूची है जिसमें ये साबित होता है कि ये भाजपा सरकार आदिवासियों का संरक्षण करने में असमर्थ है। और हमारी मांग ये है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी है उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ, और उनको सजा देना चाहिए, मृत्युदंड तक देने की हमारी मांग है। इनकेस नहीं पूरी होती आपकी मांग है तो फिर किस प्रकार का आंदोलन? शरणबंध आंदोलन होगा, इसमें मुख्य कांग्रेस भी आएगी। कांग्रेस का निर्देश है हमको कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन फिलहाल एक उसकी एक इकाई आई है आज आदिवासी कांग्रेस, इसी के साथ में एनएसयू आया है। आगे चल के हमारा पूरा संगठन साथ में आएगा और हम सब जी जान से जुड़ जाएंगे इसको न्याय दिलाने के लिए। और यदि मांगे नहीं मानी तो निश्चित ही धरने आंदोलन और सब तरह के प्रोग्राम करेंगे। क्या नाम लिखा? मैं डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।